जिनके पास आधार कार्ड है उनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले इसे पैन कार्ड से जोड़ना जरूरी कर दिया गया। 30 जून से पहले आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना होगा। केंद्र सरकार ने आधार को पैन से लिंक करने के लिए नए नियम को लागू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणी के बाद सरकार ने कदम उठाया है। अगर आपके पास पैन कार्ड है लेकिन आधार कार्ड नहीं तो भी आपका पैन कार्ड रद्द नहीं होगा। लेकिन अगर आप 1 जुलाई के बाद पैन कार्ड बनवाने की सोच रहे हैं तो पहले आधार कार्ड जरूर बनवा लें, क्योंकि बिना आधार कार्ड 1 जुलाई के बाद कोई भी पैन कार्ड नहीं बनेगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड कर यानी CBDT के मुताबिक 1 जुलाई से बनने वाले सभी पैन कार्ड में आधार नंबर और एनरोलमेंट ID का उल्लेख जरूरी होगा। देश में पैन कार्ड धारकों की संख्या 25 करोड़ है, जबकि 111 करोड़ लोगों के पास आधार नंबर है। इसी महीने सुप्रीम कोर्ट ने आयकर कानून के उस प्रावधान को उचित ठहराया था जिसमें पैन कार्ड आवंटन और ID रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन बेंच ने कहा कि मामले की सुनवाई संविधान पीठ कर रही है और अंतिम फैसला वही सुनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।